एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसे चीज का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जिसे आपने कभी नहीं देखा होगा, ना ही कभी सुना होगा, ना ही कभी सोचा होगा। आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसे बॉल का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जो कि ग्लो करता है। चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स गो। पर मैं बोलना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो, हम लोग बहुत से अनबॉक्सिंग वीडियो बनाते हैं, सो लेट्स गो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसके बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है प्ले इवन आफ्टर सन गोज डाउन, और ये बॉल का कंपनी है नेट एक्टिव, देख सकते हो होलोग्राफिक रिफ्लेक्टिव बॉल। ऑफिशियल पेजेस भी हैं जहाँ पे आप इसे फॉलो कर सकते हो, तो आपका मन फॉलो कर सकते हो। तो अभी इस बॉल का अनबॉक्सिंग करते हैं, ये इसे फेंक देते हैं। अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये बॉल ग्लो कैसे करता है, मतलब अगर हम लोग अपनी भाषा में बोले तो इस बॉल में लाइट कैसे जलता है। तो असल में फ्रेंड्स लाइट वाइट कुछ नहीं जलता, ये बॉल बस ग्लो करता है। और बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बॉल अगर आप ख़रीदते हो तो इसे खेल सकते हो या नहीं, मतलब नॉर्मल बाकी सब फुटबॉल के जैसा है या नहीं। तो इस बॉल को मैंने यूज़ करके जहाँ तक जो भी जाना है, जो भी समझा है अभी तक, वो मैं आपको इसमें क्लियरली बताऊंगा, जिससे आपको और हेल्प होगा। तो चलिए लेट्स गो। देख सकते हैं एक नीट एक्टिव ब्रांड का लोगो मिल जाएगा और उसके ऊपर एक आप क्लोज लुक देखो, यहाँ पे आरजीबी लाइट जो आप समझते हो ना, आरजीबी जो लाइट होता है, वैसा कुछ यहाँ पे इसके ऊपर मतलब ये बैठाया गया है ताकि ये जब भी इस पर लाइट पड़ सके तो ये ग्लो करेगा। ये आपको अभी नहीं दिख रहा, मतलब डे टाइम है इसलिए शायद हम लोग को अभी उतने अच्छे से नहीं दिख रहा है। और ये 5 नंबर साइज का बॉल है। इसका ग्लोइंग टेस्ट करने से पहले मैं इसे ये टेस्ट करना चाहूँगा कि हम लोग रेगुलर इस बॉल से खेल सकते हैं या नहीं, क्योंकि होता क्या कि मैं अगर ख़रीद भी लेता हूँ, अगर ये ग्लो मतलब कर रहा है ठीक है चलो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मैं इसे खेल ही ना पाऊँ, ये खेलने के लिए बना ही नहीं है, तो फिर फ़ायदा क्या है। तो चलिए अभी हम इसे खेल के देखते हैं इस बॉल से कि खेल पाते या नहीं, फिर उसके बाद इसका टेस्टिंग करेंगे नाइट में, क्योंकि असली मज़ा तो रात को आने वाला है। तो चलो फ्रेंड्स अभी पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस बॉल का वेट के बारे में बात करें तो बाकी सब बॉल के मुकाबले ये बॉल का वेट थोड़ा सा लाइट वेट है और इससे खेलने में काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है। अगर आप इसे टर्फ पे खेलो या नॉर्मल ऐसे फॉर्म ग्राउंड पे खेलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और ये बॉल वाटरप्रूफ भी है तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। बस मैं बोलूँगा कि इसे आप कॉन्क्रीट पर मत खेलना, क्योंकि अगर आप कॉन्क्रीट पर खेलोगे तो इसके ऊपर का जो लेयर है जिस वजह से ये ग्लो करता है वो ख़राब हो सकता है। मे बी मैं रिकमेंड करूँगा कि इसे कॉन्क्रीट पर मत खेलना, और बाकी सब इस बॉल में बहुत ही अच्छा है, अगर ड्रॉप फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी सही है तो बाकी सब सही है इस बॉल का। फ्रेंड्स अगर आप इस बॉल के साथ जगलिंग या कोई भी टाइप के फ्री स्टाइल स्किल्स करोगे तो आपको कोई भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये बॉल लगभग सेम है बाकी सभी बॉल के तरह। आप इसे शॉट मारोगे या फिर किसी भी तरीके से खेलोगे जैसे बाकी सब बॉल से खेलते हो, फील नहीं होगा कि आप किसी और टाइप के बॉल्स के साथ खेल रहे हो। तो फ्रेंड्स देख रहे हो इसका हाइट भी काफ़ी अच्छा, गिरने के बाद ड्रॉप फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी सही है बाकी सब बॉल की तरफ। फ्रेंड्स डे टाइम में तो ये बॉल कुछ इस तरीके से दिखता है, अगर हम इसे अब अगर नाइट में ट्राई करें तो क्या होगा। तो चलिए लेट्स गो। वाओ, तो फ्रेंड्स देख रहे हैं रात के समय में ये बॉल काफ़ी ज़बरदस्त दिख रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये बॉल काफ़ी सही तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब बहुत ही अमेजिंग बॉल दिख रहा है। मैं इसको मैजिक बॉल अपने तरफ से नाम दिया हूँ, तो फ्रेंड्स आप भी अपने कमेंट में अपने नाम को मेंशन कर देना कि आप इस बॉल को क्या बोलोगे, क्योंकि फ्रेंड्स आज से पहले मैंने अपने इंडिया में तो कभी ऐसा बॉल देखा ही नहीं था। मैं बचपन से फुटबॉल खेल रहा हूँ पर ऐसा बॉल कभी नहीं देखा, पहली बार इस बॉल को ऐसा देख रहा हूँ कि जो रात के समय में इतना ज़बरदस्त दिख रहा है, और दिन में भी आप इसे खेल सकते हो सेम उसी तरीके से जैसे आप बाकी सब बॉल से खेलते हो। तो फ्रेंड्स देख रहे हो आप कितना ज़बरदस्त ये बॉल है, देख रहे हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कुछ लोग इस फुटबॉल को देखने के बाद यही बोलेंगे कि ज़रूर इसमें कोई बैटरी सिस्टम या फिर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक पार्ट जरूर लगा होगा जिस वजह से ये लाइटिंग कर रहा है, ग्लो कर रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको रिव्यू दिखा दिया है। तो फ्रेंड्स इस बॉल की यही खास बात है कि ये नाइट के टाइम पर ग्लो करता है, इस पर जो भी लाइट पड़ता है वो रिफ्लेक्ट होता है, इसलिए फ्रेंड्स इस बॉल का नाम भी है रिफ्लेक्टिव फुटबॉल। अगर आप भी इस बॉल को ख़रीदना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली बाय कर सकते हो। ये बहुत ही अमेजिंग बॉल है, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आप सबको बाय करना चाहिए।
काफ़ी मज़ेदार ये बॉल है, ये चाहो तो आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो, बच्चे भी इसे खेल सकते हैं, बड़े भी इसे खेल सकते हैं, और इसे आप नॉर्मल फर्म ग्राउंड, आर्टिफिशियल ग्राउंड कहीं भी खेल सकते हो। बस मैं बोलूँगा आपको कि कॉन्क्रीट पे मत खेलना। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना, और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, उन लोगों को भेजो जो कि ऐसे कंटेंट पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं ऐसे और बहुत सारे वीडियोस डालता रहूँ। अगर आप इस बॉल को ख़रीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके इजीली बाय कर सकते हो। ये आप देख रहे हो, इसका पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छा है और ये बॉल बहुत ही अट्रैक्टिव है। कहते हैं ना कि मतलब मुझे बहुत ही मज़ेदार लगा। इसका असली मज़ा तो आपको रात को देखने मिलेगा। ये कंटेंट क्रिएटर हो मेरे जैसा तो आप इस बॉल को ख़रीद सकते हो। फ्री स्टाइलर हो तो बिल्कुल ख़रीद सकते हो, क्योंकि आप जब फ्री स्टाइल करोगे और उसे जब रिकॉर्ड करके डालोगे उस तरीके से जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इस मतलब ग्लो करने के बाद क्या ही बात आ जाता है इसमें, तो फ्रेंड्स मज़ा आ जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करो जितना हो सके, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you.